देखिए लोगों, राजा रानी दुखी कर्म की लिखी तरन तारी, रोने गोने में रात बीती आई सारी। रात गुजर गई लोगों, सुबह हुआ प्रात काल, जब भयो भूप उठ गयो तो आज तपदानी। अब चिंता जिगर में बढ़ गई भूप के भारी। आज महाराज को गद्दी पर बिठा लिया, आंखें लाल हैं, होठ सूखे हैं, मंत्री ने चेहरा देखा है तो मंत्री बोला, महाराज की जय हो। आपके चेहरा पर आज ये सभा तुम्हारा स्वागत करती है, लेकिन आपका चेहरा कुछ सुस्त है, इसलिए मैं अर्जी करता हूं। क्या क्या कारण है महाराज? मंत्री जी, सारी रात हो गई, रानी ने सोने नहीं दिया। ऐसी क्या बात हुई महाराज? एक ही रट लगाए मैं दूसरी शादी कर लूं। और मंत्री तुम जानते हो, जिस घर में एक मर्द के लिए दो औरतें होती हैं, उस मर्द का जीवन आधा रह जाता है। हाँ। आप हमारे मंत्री हैं, हमें यह मालूम है कि तुमने भी दो शादी की हैं महाराज। पहली बारी भजी आई, दूसरी मरी आई? नहीं, पहली बारी तो बेचारी जो जीवन में, अब जो कुछ भव सो भव कहने का मतलब, शादियां तो हो गई लेकिन संकट में हम रहे। और खैर हमारी छोड़िए, आपका जो है चेहरा जो चंद्रमा जैसा था वो आज मुरझा गया, इसलिए आपने बारे में बताइए। यही है कि अब तुम बताओ शादी करूं या ना करूं, महारानी कह रही है दूसरी शादी कर लो। महाराज वैसे शादी कर ले और जल्दी कर ले, बाजे मिल जाएंगे। और जो है हाँ, भाइयों उसी समय पत्रों का वितरण किया है, जिसकी लड़की सुंदर हो, सुलक्षणी हो, अपनी बेटी का टीका महाराजा उद्धा के सम्राट को भेज दे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक राजा की लड़की यौवन की दहलीज पर कदम दे रही है, जिसका नाम है सुरुचि, प्रेम नगर के महाराज मदन सेन की लड़की है। मदन सेन ने जिस समय पढ़ा है पत्र, आज अपनी बेटी सुरुचि का टीका महाराज के लिए भेज दिया। टीका स्वीकार किया, शादी की तिथि निश्चित हो गई। रानी ने हंस हंस के अपने पिया को दुल्हा बनाया। बारात लेकर लड़की वाले के दरवाजे पर पहुंचे, बहुत खुशामद की और वैदिक रीति से अपनी बेटी सुरुचि का विवाह
उत्तानपाद के साथ कर दिया। राजा अपनी नई दुल्हन को डोला में बिठाल के चला। हर्षा के चला, घोड़ा को नचा के चला। मेरे भाइयों, जब डोला दरवाजे पर आया, रानी सुनीत को पता लगा कि मेरी छोटी बहन आ गई। बांदियों से कहा, जाओ जल्दी आदर के साथ आरती करके लाना मेरी छोटी बहन को, कोई नजर ना मार दे, मैं तब तक मखमल का बिछौना बिछा दी। दासियां दरवाजे पर पहुंची, बोली, महारानी जी डोला में से कदम नीचे रखिए, बड़ी बहनें आपका इंतजार कर रही हैं। भक्तों, जो बड़ी बहन को नाम सुनो, ये मालूम पड़ा मानो उस लड़की को सांप सूंघ गया। बांदी, कौन मेरी बड़ी बहन? बांदी बोली, आपको मालूम नहीं, महाराज की पहली